सेक्युलर पार्टी के पटना जिला ग्रामीण कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय के उद्घाटन में मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता हम सेक्युलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के कर कमलों द्वारा किया गया। वहीं हम सेक्युलर पार्टी के अध्यक्ष पटना जिला ग्रामीण धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि हम सेक्युलर पार्टी का यह ग्रामीण कार्यालय कंकड़बाग के अशोकनगर रोड नंबर 11 में खोला गया है। वहीं इस मौके पर मौजूद हम सेक्युलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि आज हम पार्टी का ग्रामीण जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि नीरज पटेल के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि वे उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। वहीं इस मौके पर पुनपुन जिला के कई सदस्यों को हम सेक्युलर पार्टी का सदस्य भी बनाया गया। मौके पर मौजूद हम सेक्युलर पार्टी के अध्यक्ष पटना जिला ग्रामीण धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल ने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि आज हम पार्टी का ग्रामीण कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम बूथ स्तर पर काम करेंगे और हमारी यह कोशिश रहेगी कि पार्टी में लोगों को जोड़कर पार्टी को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम सेक्युलर पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कई और नए चेहरे हम पार्टी से जुड़ने वाले हैं। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन, ग्रामीण कार्यालय का एक पार्टी का उद्घाटन हुआ है, जिसको तो प्रधान कार्यालय में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आवासीय कार्यालय में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मेरी शुभकामना है कार्यालय बनने से, निश्चित तौर पर इस आसपास के लोगों को यहाँ सहूलियत होगी। नीरज जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, तो एक ऑफिस खुल जाने से गरीब लोग आएंगे, एनएस आएंगे कि हाँ एक हमारा घर है, वहाँ पर आकर के नीरज जी से मिलेंगे। नीरज जी जरूर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं हम लोग का लाइफ होगा, इनके स्तर का होगा, हम लोग भी काम करेंगे। कार्यालय खुला है, खड़ी है, और भी कार्यालय खुलेंगे। मेरी शुभकामना है इनका कि कार्यालय से जो भी मुद्दों के लिए खुले हैं, उसके गरीबों की आवाज़ बने और उनका काम हो सके। आपके पिता का उद्घाटन है, नीरज जी तो सब बोलेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हम लोग जैसे छोटे जमीन स्तर के नेताओं को एक दर्जा दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत इनका आभार करता हूँ। नीरज पटेल जी, आप तो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, कई पदों पर आपने कार्य किया, आखिर क्या वजह है कि जदयू छोड़ना पड़ा आपको? देखिए, पार्टी छोड़ने के लिए कोई ऐसी कोई वजह नहीं थी हमारे पास, लेकिन वजह सिर्फ इतनी थी कि उस पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की मान सम्मान नहीं मिलेगी। जब कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो पार्टी में रहना हम उचित नहीं समझते। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो वजूद है वो वजूद खत्म हो रहा है? आप इसमें देखने की क्या बात है, आप लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया पत्रकार उत्पन्न हैं, आप जानते हैं कि फुलवारी विधानसभा बहुबोल कुर्मी क्षेत्र, जो कि कुर्मी ही सिर्फ वोट दे तो फुलवारी विधानसभा से विधायक बन सकते हैं, आप लोग सारे वाकिफ हैं। जब वहाँ पे हार गए हैं तो सोच लीजिए कि इनका कुर्मी वोट घिसक रहा है कि बढ़ रहा है। जनता के लिए क्या योजना है? क्या जनता के लिए क्या योजना है आपका? जनता के लिए मेरा योजना है और इस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए मेरा सबसे बड़ा योजना है कि मैं प्रखंड से लेके पंचायत से लेके बूथ स्तर तक अध्यक्ष और सचिव बनाऊंगा और डोर टू डोर पटना जिला के हरेक गांव में जाके हम पार्टी की कार्यशैली को सबके सामने हम लोग बताने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी, हमसे हुआ तो हुआ, मैं सर के पास जाके उस समस्या को दूर करवाने के लिए मैं भरपूर मेहनत करूँगा।